हेलो दोस्तों, अंशवंश फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और 4 दिन से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया क्योंकि इतनी ठंड हो रही है ना यहाँ पे, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता। तो आज मेरी मम्मी ने मेरे को बोला है कि वो मेरे हाथ का साग खाएंगी। मुझे वैसे साग बनाना ना आता नहीं था, मैंने कभी भी शादी से पहले साग नहीं बनाया था, और शादी के बाद जब मेरे बच्चे खाने लग गए, मेरे हस्बैंड भी खाते थे, तो फिर मैंने साग बनाना सीख लिया। तो आज मेरी मम्मी ने बोला मुझे साग बना के खिला। तो सबसे पहले तो मैंने देखो अपने बालों को बांध लिया है, क्योंकि जब भी मम्मी के सामने खाना बनाते हैं ना तो बालों को ऐसे बांध लेते हैं। हमारी मम्मी ऐसे बाल बना देती है, कितना गंदा लग रहा है मेरा जोड़ा। और ये देखिए मैं लेके आई हूँ साग, और मैंने इसको धो भी लिया। इसमें सारा साग है, सारे 4-5 तरह की चीज़ें हैं। इसमें पालक है, इसमें सरसों है, बथुआ है, मेथी है, और क्या है, और धनिया है, और सोया है ना। मुझे सोया बहुत अच्छा लगता है साग में, मेथी में भी सोया डालती हूँ, काफ़ी चीज़ों में मैं सोया डालती हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैं भाई के साथ गई थी, मैंने खुद खरीदी और खुद साफ़ करवाई और खुद मैंने उससे कटवाया, भैया से ही कटवा के लेके। मेरे से तो कभी साग नहीं कटता, मैं कभी साग नहीं काट सकती। तो फिर इसको मैंने सारा ला के देखिए सारा धो दिया है सारा। वो फर्स्ट टाइम अपने मायके में साग बना रही हूँ, इससे पहले मैंने यहाँ कभी किया, जो हमारा पहले वाला घर था ना, कभी भी मैंने साग नहीं बनाया, आज बना रही हूँ। अभी सारा मैंने धो दिया, हमें इसका सारा कुकर में डाल देंगे, सारा कुकर में जाएगा। ऐसे ना बहुत अच्छे से धोना आप लोग जब भी साग बनाओ, क्योंकि साग में ना बहुत मिट्टी होती है, खासतौर पे ना बथुए में। बथुआ तो हमेशा अलग ही लेना चाहिए और अलग ही धोना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मिट्टी होती है ना वो बथुए के अंदर होती है, और इसमें अगर ज़रा सी भी मिट्टी रह गई ना तो ये किसकन हो जाती है, किसक जाता है, सारा सारा किसक जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि साग बनाने में बहुत टाइम लगता है। पहले से धो डाल दिया मैंने सारा साग, इसके अंदर गया मेरा सारा साग, भर गया ये पूरा। 1.5 किलो लेके आई थी मैं, क्योंकि मेरे अंशवंश का फेवरेट है ये, इस वजह से तो सारा लेके आई। अब मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगी। टमाटर आपको डालना है तो डालें, हमारे घर में डालते हैं, सभी के यहाँ नहीं डालते, जिसके यहाँ डालते हैं वही डालो, हमारे यहाँ तो डालते हैं, तो डाल ही दूँगी इसमें। ये दो टमाटर घुट जाएंगे, उसके बाद ये लहसुन डाल दूँगी किसी के अंदर। लहसुन बहुत से लोगों के यहाँ नहीं खाते, वो लोग मैं तो डालती हूँ, मम्मी पीछे से बोले अदरक भी डाल दे, मैं नहीं डालती अदरक, तो मैं डालूंगी नहीं, क्योंकि बच्चे के मुँह में आ गई ना तो खाएगा ही नहीं। और फिर इसमें मैं धनिया भी डालूंगी भी, और उसके बाद इसमें ना हरी मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालती हरी मिर्च, क्योंकि बच्चे खाएंगे इसको और उनके मुँह में हरी मिर्च आ गई तो वहीं छोड़ देंगे। जैसे अभी मैं डालूंगी, जब ये बन जाएगा और बच्चों का मैं बाहर निकाल दूंगी, उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूंगी और लाल मिर्च, जो जो मिर्च डाली है वो तभी डालूंगी बच्चों के निकालने के बाद। अभी मैं ये धनिया काटूंगी, वॉश करूंगी और फिर इसके अंदर डाल दूंगी। अभी वॉश करते हैं, सब कुछ पड़ गया इसके अंदर, अब इसको बंद कर दूंगी और मैं इसको गैस पे चढ़ा दूंगी, और कम से कम 8-10 सीटी लगाऊंगी इसमें, अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद में मैं इसे अच्छे से घोटूंगी, सारी चीज़ें दिखाऊंगी, सब टेस्टी बनाऊंगी, अच्छा बन जाए। कई बार बोलते ना बड़ा टेस्टी बनाएंगे, अभी ख़राब हो जाता है, ख़राब ज़रूर होता है। अजा हमको लगता है अरे हमें ही तो खाना है, किसे खाना है, छोड़ो सब टेस्टी बन जाता है। अभी देखो कैसा बनता है, अच्छा बन गया तो ठीक ठीक, और ये ख़राब बना तो मेरी मम्मी मारेगी मुझे बहुत ज़्यादा, कहेगी तो ना बर्बाद, यही भी किए थे ऐसे हमारी माता। मम्मी आप लोगों को अपनी मम्मी से मिलवाती हूँ, चल गई बाहर, अभी मिलवाती हूँ, चलो मम्मी से मिलते हैं पहले तो, तब तक ये पक जाएगा, क्योंकि अभी इसको कम से कम लग जाएगा आधा घंटा पकेगा ये। उसके बाद फिर उसको बंद कर दूँगी, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, सीटी निकल जाएगी, उसके बाद उसको घोटो। आज बढ़िया साग बना दूँगी मैं एकदम, मेरा हाथ भी कट गया, देखो मेरा हाथ कट गया, मेरा वंश ने वह देख लेना, ये चक्कू ये कली खरीद के लाई मैं भाई के साथ, इतना पहना है ये, मैं धनिया काट रही थी ना ये सब लग गया, जब लगा तो पता ही नहीं चला, अभी पता चल रहा है। शुक्र है मैं इधर हूँ, बर्तन फर्तन नहीं धोने मेरे को, इधर होती तो सारे करने पड़ते, इसमें लग जाता। अब मेरा साग बनने लग गया, और मैंने ना ये थोड़ा सा ये लहसुन भी छील के रख लिया है, क्योंकि जब ये इसको घोट दूंगी, इसमें आलन लगा दूंगी, फिर मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, तो इस वजह से ना मैं लहसुन छील के रख लिया है, ताकि जब मैं तड़का लगाऊंगी तो मुझे आसानी हो, तो मुझे छीलना ना पड़े,
सारा चल गया, मेरा साथ भी लग गया। और अब मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के पास, अपनी मम्मी के पास जाती हूँ, आप लोगों को मिलवाती हूँ। आइए दोस्तों, मैं तो अपनी मम्मी से, मम्मी हेलो बोलो। हेलो हेलो, मैं पहली बार साग बना रही हूँ, तारीफ करना मेरी, बुराई मत करना। अच्छा बनाए हो तुम्हें तो नहीं खराब बनाऊंगी, माए तो खराब में भी तारीफ कर देती है। अच्छा उसमें अदरक वाले में सब डाल दिया, डाल दो सब डाल दिया, ठीक है, सब डाल दिया, सब कुछ जो जो मेरी मम्मी बोल रही है ना। ठंड लग रही है तुम्हें? नहीं नहीं, अभी तो जवान है दोस्तों मेरी मम्मी, है ना, बुड्ढों को ठंड लगती है ना, जवानों को कहाँ लगती है। मैं तो बुड्ढी, मुझे तो ठंड लगती है। वो दादी एक कहावत बोलती थी ना, कौन सी थी, बच्चों से मैं बोलूँ नहीं, जवान लगे मेरे भैया, और बुड्ढों को मैं छोड़ू नहीं, चाहे हाय करो चाहे दैया। तो हमारी मम्मी बुड्ढी हो गई है, हाय दैया नहीं निकलती वैसे, है ना। किसको दरान पति मेरे आए ना, तो क्या होगा, लड़के तो है हमारे, पोती आ गई है संतोषी हमारी, इनकी पोती आ गई है संतोषी, इससे ये बहुत प्यार करती है, हैं। अब बड़ी हो जाएगी वो, तब ये उसका दिमाग काया करेंगी, है। उसका नाम हमने सानवी रखा है, संतोषी संतोषी बोलती रहती है उसको, क्योंकि हमारे पापा का नाम मिलता जुलता है इस वजह से, है ना। हाँ इस वजह से, बाकी हमारी मम्मी आज मेरे हाथों का साग खाएंगी मेरी मम्मी, है ना, बस गलत ना बन जाए, वरना सुनाएगी भी डर के मेरी मम्मी, एक तारीफ करेगी ना मेरी मम्मी, इतना सुनाएगी दोस्तों मेरी मम्मी, अगर ये खराब होनी है ना बहुत ज़्यादा सुनाएगी। चलिए दोस्तों, जब तक मैं सो लेती हूँ आधे घंटे के लिए, हमारी सनवी दे दे, हम सनवी से प्यार कर, आ जाओ सानवी बार, इतनी ठंडी नहीं पड़ेगी, ठंड में सानवी बार आएगा। देखिए दोस्तों, अपनी बेटी से इन्होंने इतनी ठंड में साग धुलवाया, और पोती को बोलिए ठंड लग रही है बाहर मत आइयो, इतना भेदभाव होता है दोस्तों हमारे साथ, हमारी मम्मी हमें इतना भेदभाव करती है। तो पोती तो आई है छोटे दोस्तों, अभी मैं छोटी बच्ची हूँ, दो बच्चों की माँ। हाँ दोस्तों, उन्हीं के लिए तो साग बनाती हूँ मैं, नहीं तो साग बड़ा बना रही हूँ मैं, आज तक तो बनाया नहीं मैंने इधर कभी साग, मेरा अंशवंश के लिए बनाया मैंने साग, अपने अंशवंश को खिलाऊंगी, इसलिए मैंने मिर्च मिर्ची नहीं डाली, जब उनका बना के निकालूंगी फिर भरूंगी मिर्च, ताकि ये थोड़ी थोड़ी खाएं सब्जी, है मम्मी, ज़्यादा मिर्च कर दो फिर थोड़ी थोड़ी सब्जी खाएंगे ये। मैं बहुत सारा साग बनाया मैंने, अच्छा बन जाए बस, अभी आधे घंटे के लिए वो पक रहा है, सीटी लग रही है, तब तक मैं सो लूँ, सो लेती हूँ जब तक। लाइटें बंद करें आप? नहीं, चाय पानी गरम करके पी लो। मैं चाय नहीं पी रही है। खराब दे? नहीं बस सही, मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, एक्सरसाइज कर लेती हूँ आधे घंटे के लिए। हाँ चाय पी लूँ पहले। चलिए दोस्तों, हमारा साग बन जाएगा, फिर मैं ऐसे घोटूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं नहीं घोटा रही, मैं घोट दूंगी, मिक्सी से नहीं करूंगी, मैं हाथ से घोटूंगी। दोस्तों लग गई सीटी, हो गया मेरा ठंडा, मैं उसको घोटूंगी, देखिए गर्मा गर्म एकदम, ये गर्म गर्म होता है ना, इसको तभी घोट लो तो ये घुट जाएगा, नहीं तो ये नहीं घुटेगा, बहुत टाइम लगेगा। वैसे इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी वाला ना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है, मेरी मम्मी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मिक्सी में तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, और यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं कर सकती। तो ये सारा ना ये घुटना पड़ेगा, एक ना राइस सी आती है ना उससे घुट सकते हैं, यहाँ पे है नहीं तो इससे भी घुट जाता है, अच्छे से पक जाएगा तो घुट जाएगा। और ये देखना 1.5 किलो था, जरा सा रह गया थोड़ा सा, सारा अच्छे से इसको घोट के, घोटना ना बहुत ज़रूरी, खड़ा खड़ा रह गया ना तो बेकार लगेगा, फिर कोई खाएगा ही नहीं इसे, अच्छे से घोटने का। इसमें आलन लगाएंगे, हमारे यहाँ तो आलन लगाना ही बोलते हैं, मम्मी ने तो यही सिखाया, आप क्या जो भी बोलते हैं बोलते हैं, कि बेसन ये गेहूँ के आटे से भी हो जाता है, मक्के के आटे से भी हो जाता है, और बेसन से तो हो ही जाता है, मैं तो फिलहाल बेसन से कर रही हूँ, आपके पास बेसन नहीं है तो आप आटे से भी कर लें, आप गेहूँ के आटे से या मक्के के आटे से सबसे हो जाएगा, मैं तो बेसन से कर रही हूँ, फटाफट हो जाएगा। वंश क्या कर रहे हो आप? मैं साग, आपका फेवरेट ये मेरा वंश आ गया दोस्त। हाँ मेरे बच्चों को साग बहुत पसंद है, इस वजह से तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। हाँ पर मैं जब ये साग ठंडी हो जाती है तभी खाता हूँ। और ये बुधू आ गया दोस्तों। आदिव्यांश, हाँ जी, आपकी वाइफ साग बनाया करेगी? अब वो तो पता नहीं, वाइफ हो गई भी यानी क्या वाइफ
क्यों आपको अपनी खूबसूरती पे विश्वास नहीं है? वो तो इतने क्या बुरे हो आप, सुंदर नहीं दिखते आप? मुझे नहीं पता गाइस, आप बताइए मैं सुंदर हूँ या फिर नहीं। ओहो ओए होए गाइस, तो लिखेंगे भी भर भर के बेकार दिव्यांश। नहीं सब मुझे प्यार करते हैं, मेरा बर्थडे भी आ रहा है परसों गाइस। हाँ इसका बर्थडे आ रहा है, हम इसके बर्थडे में ही तो आए हैं, परसों इसका बर्थडे है। हम घूमने भी जाएंगे एक साथ सब, ब्लॉग देखना आप। हम भी जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे। इसके पापा ने पता नहीं क्या इसको बोला होगा कुछ पढ़ने वढ़ने के लिए, बोल दिया तुझे घुमाने ले जाएंगे। सबको बोलता गया सब लोग ना घूमने जाएंगे, और कोई कहीं भी नहीं जा रहा क्योंकि संडे तक ही छुट्टियां हैं और फिर उसके बाद स्कूल स्टार्ट, समझ गए? नहीं। हाँ नहीं क्या गाइस, ये देखिए बेसन। अरे बेसन, बेसन क्या बना रहे हो साग? गाइस साग बन रहा है साग। आप खाते हो? नहीं। क्यों मैं बना रही तो भी नहीं खाओगे आप? नहीं। खास जाकर होगा तू, अभी दादी आ रही ना, यही खांसना निकाल देंगे। गैस के पास खांस रहा है कड़ा कड़ा। डांस करके दिखा दे चल दोस्तों, अब तू आया है तो अपना उसका फालतू सा डांस देख लीजिए। हर जगह यही करता है, एक ही स्टेप आता है इसे। अब परसों जो इसके बर्थडे का ब्लॉग होगा आप देखना, यही नाच रहा होगा। ये चाबी फिट हो जाती है इसकी, यही सीखता है दो तीन साल तक, फिर वही स्टेप मारता रहता है। कौन सा कलर पहनोगे आप बताओ दोस्तों को? सारे के सारे लड़कों के लिए ब्लू। गाइस 6 जनवरी को आपको भी ब्लू पहनना है। लड़कों के लिए ब्लू? हाँ। अबे लड़कियों के लिए ब्लैक, लड़कियों के लिए ब्लू, लड़कों का ब्लैक लड़कियों का ब्लू, ठीक है? इसे कुछ भी नहीं पता, बर्थडे मेरा, मेरी मर्जी है। मर्जी क्या है? जो हम कपड़े लाएंगे वही तो पहनेंगे। हाँ पर मर्जी तो मेरी है ना। तो आप हमको दे दो एक एक जोड़ी, हम अपना प्लान चेंज कर देंगे, ठीक है? मम्मी क्या है ना बहुत सारे, निकाल लो सारे, ठीक है? ठीक है। क्यों नहीं आएंगे? इतनी मोटी तो तेरी मम्मी, मेरे से कौन मोटी होगी तेरी मम्मी? नहीं नहीं क्या आपका वेट कितना है? मेरा तो बहुत कम है, मेरा 40 किलो ही है। झूठ मत बोलो। झूठ क्या बोल रही गाइस? उतना तो पीहू का वेट है। हाँ तो बस उतना ही वेट है गाइस, मेरा 40 किलो है, इसकी मम्मी का 70 किलो है। नहीं हाँ इनका गाइस, इनका है 95 किलो। 95 किलो, 95 किलो भाई। भाग गया दोस्तों, ऐसे घुटने में बहुत टाइम लग रहा है, ये घर में तो घुट भी रहा है, अगर ये ठंडा होगा तो घुटेगा नहीं, इसलिए हाँ चलाते रहो चलाते रहो। ए गुल्ली ए गोलू मोलू चलो उधर, चलो गोलू मोलू उधर। गाइस हमारे घर में गोलू मोलू है, इधर आइए गोलू मोलू। क्या वंशु गोलू मोलू को आने दे? अच्छा ये नहीं दोस्त हमारी गोलू मोलू है, ये हमारी गोलू मोलू साग खाएगी, बुआ का बनाया। नहीं मैं प्लेन राइस खाऊंगी। लो मुंह खोलो साग खाओ। नहीं साग खिलाओ। वंश बता तू क्या पहनेगा भाई के बर्थडे में? वंश क्या पहनेगा? वंश ऐसा जाएगा नंगू डंगू। घुट गया सारा, अब इसे ना इस पे गैस पे वापस चढ़ाऊंगी और ये अच्छे से पकेगा, धीरे 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 ये पकेगा, और जब ये अच्छे से पक जाएगा फिर उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी तड़का, एकदम बढ़िया तड़का। चल मैं इसे घुट लेती हूँ फटाफट, जल्दी से घुट जाए। यार काढ़ा बनाने के लिए मैं काढ़ा बनाऊंगी मम्मी का, मम्मी को थोड़ी ना गैस की प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, उनको गैस बन गई, तो उनका काढ़ा बनाने के लिए, उनका काढ़ा बनाने के लिए जा रही हूँ। मैं भी पीऊँगी थोड़ा सा, टेस्टी बन गया तो। इस काढ़े में मैं डालूँगी जीरा, अजवाइन, थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा सा जीरा और काला नमक, ये सारी चीज़ें ना थोड़ा थोड़ा मैं इसके अंदर डालूँगी, ये काढ़ा बन जाएगा एक, तो इसको मम्मी पियेंगी, मैं भी पीऊँगी इसे थोड़ा सा, शायद ये अच्छा लगे। बाकी ये सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है ना, कभी थोड़ा सा बना के पी लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही पिए, ज़्यादा ना पिए, ठीक है ना? उसको बनाने से पी लें तो ये ठीक रहता हमारी सेहत के लिए। मम्मी पहले भी से पीती रहती है, मम्मी ना मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, ये काढ़ा भी फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ क्योंकि मम्मी बनाती है इसे, मैंने अपने घर पर काढ़ा कभी नहीं बनाया। मम्मी बोली उनको जो प्रॉब्लम हो रही ना गैस की, ठीक हो जाती है इसे पीने से, तो फिर उन्होंने जैसे जैसे बोला ये सामान डाल के इसमें डाल के ना पकाना इसको, तो मैं सारा सामान डालूंगी और इसको पकाऊंगी, ये काढ़ा बन के तैयार। हींग तो वैसे अच्छी लगती है, हींग की खुशबू ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मैं मेरी सारी सब्जियों में हींग ज़रूर होता है, कुछ एक दो सब्जी ऐसी होती है जिसमें हींग नहीं डालती, बाकी मैं ज़्यादातर सब्जियों में हींग डालती हूँ। आलू के पराठे बनाती हूँ ना या कोई भी पराठे बनाती हूँ, मैं उन सब में हींग ज़रूर डालती हूँ, ठीक रहता है सब कुछ। इसमें थोड़ा थोड़ा डालूँगी जीरा,
ये मेथी दाना, अजवाइन, हींग, और इसमें वाइट वाला नमक नहीं डालूंगी, ये ब्लैक वाला डालूंगी। इसमें करके डाल दूँगी, पता चला सारी चीज़ें। बढ़िया जी, अभी पकता रहेगा थोड़ी देर के लिए। एक चूल्हे पे ही देखिए, एक चूल्हे पे काढ़ा पक रहा है, ये देखिए काढ़ा पक रहा है, और एक पे मेरा साग, ये काढ़ा है और वो साग, और ये मैं इसको पका रही हूँ। साग भी पहली बार बना रही हूँ यहाँ पे पहली बार बना रही हूँ। वैसे अपने घर पे तो मैं हर हफ्ते साग बनाती हूँ, मेरे बच्चे साग खाते तो मैं हर हफ्ते साग बना के खिलाती हूँ, हफ्ते में एक बार जरूर साग बना रही हूँ, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। अरे ये काढ़ा तो फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, ये तो मैंने अपने ससुराल में भी नहीं बनाया, मम्मी के लिए बना रही हूँ। पकेगा, थोड़ा सा पक जाएगा ना थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, उसके बाद इसको छान के मम्मी को दूंगी और थोड़ा सा ना मैं भी दूंगी, और तब तक मेरा साग बन जाएगा। और मैं ना अभी तड़के की तैयारी शुरू कर रही हूँ। लहसुन तो मैंने पहले नुका के रखा था, बाकी लाल मिर्च अच्छी लगती है, लाल मिर्च लहसुन अच्छे से डालो, बढ़िया तड़का लगाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी घी डाल के खाओ साग। चलिए दोस्तों, मेरा पक जाएगा, फिर आपको देखिए दोस्तों पक गया मेरा साग अच्छे से, अभी और भी पक रहा है, डिम पे ही रखा हुआ मैंने। अब ये मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, मैंने गैस पे चढ़ा दिया ये, और ये मैंने तैयारी करके तड़के की, ये इसमें लहसुन डालूंगी, मिर्च डालूंगी, और ये हींग। अब इसमें अच्छा सा तड़का लगाऊंगी, और तड़का लगाऊंगी मैं सरसों के तेल का। देखिए डाल दिया मैंने सरसों का तेल इसमें, मैं हमेशा ना सरसों के तेल में तड़का लगाती हूँ, कभी भी घी में नहीं लगाती। लोग घी में भी लगाते हैं, बटर में भी लगाते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन जब इतना सारा साग है तो वैसे तो सरसों का ही तड़का लगाते हैं, हमेशा सरसों के ही तड़के मम्मी लगाती हूँ। वैसे मैंने इसमें डाल दिया लहसुन, सरसों के तेल में अच्छा लगता है तड़का, और घी डाल के खाओ, बहुत सारा घी डाल के खाते हैं। जब लोग खाएंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी, मैं फटाफट तड़का लगा दूँ। देखिए हो गया ना, ये अच्छा लगता है करार करार। उसके बाद मिर्च डालूँगी और हींग डालूँगी, मिर्च इसके अंदर, और ये हींग, चल मैं ज़्यादा हिंग थोड़ी सी डालूँगी, और ये मेरा तड़का तैयार। यहाँ मेरा तड़का अभी जाएगा मेरे साग के अंदर, यहाँ मेरा साग जाएगा इसके अंदर। तड़के की खिचड़ी ना बहुत अच्छी आती है, अगर ये अच्छा नहीं होगा ना हींग डाल दियो। ओ अब बाहर से आवाज आ गई ना, हींग डाल दी, अरे बहुत सारी हींग डाली माँ। तो मेरी मम्मी की नाक को ना हींग की खुशबू नहीं लगेगी, वो तब तक नहीं मानेगी। अब आई एकदम खुशबू बढ़िया, इसको ना 2-3 मिनट के लिए बंद कर दूँगी ताकि सारा इसके अंदर ही रह जाए मस्त। मैं दिखाती हूँ आपको क्या मेरा, ये देखिए तैयार हो गया मेरा साग। ये देखो दोस्तों बन गया मेरा साग, और मैंने इसमें ये डाल दिया, ये अंशवंश का है, ये मैंने अंशवंश का निकाल दिया, बाकी सबके में मिर्च डाल दी मैंने। अब 2 मिनट वो मिर्च पकेगी, उसके बाद वो भी तैयार, और ये अंशवंश का तैयार। अभी रोटी बनेगी तो मेरे बच्चे खाएंगे। ये देखिए दोस्तों बन गया मेरा साग, एकदम टेस्टी बना है, मैंने थोड़ा सा चख के दिखाया चम्मच से, बहुत अच्छा बना है। अब मेरी भाभी बनाएंगी मक्के की रोटी, गेहूँ की रोटी, उनको जैसे खाना है वो वैसे खाया, मैंने तो बना दिया, मेरा काम होगा खत्म, तड़का बड़का सब कुछ मार दिया, सब कुछ हो गया। और ये बहुत टेस्टी बनाया, मैंने चख के दिख लिया, थोड़ा सा नमक मिर्च सब सब बढ़िया है, ठीक है ना। आप लोग खाते तो आपको पता चलता, मैं झूठी तारीफ नहीं कर रही अपनी। ये बहुत टेस्टी बना है। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगर मैं कुछ बनाऊंगी तो, क्योंकि ये लोग मुझे कुछ बनाने ही नहीं देते। अगर मैं फिर भी मैंने कुछ बनाया तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, और मैंने काढ़ा पी लिया, इतना कड़वा था ना वो, बहुत कड़वा था। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।